Now, second thing is the question of dress. What type of dress you should wear? Now, see, your dress definitely makes an impression, right? Because they will be communicating with you through your dress for the first time. How you look, how you are looking. So don't ignore this aspect. Don't fall into that type of trap. अरे ड्रेस से क्या होता है? वो बात की बात है कि यू आर स्ट्रांग एनफ कि भाई अंदर से आप इतने स्ट्रांग हैं, नॉलेज इतनी है कि ड्रेस से कोई फर्क ना पड़े. हाँ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू हो सकता है ड्रेस से ड्रेस मीनिंगलेस हो जाए, लेकिन आर वी स्ट्रांग एनफ? तो हमें तो ऑल पॉसिबल टूल्स यूज करने हैं टू गेट मार्क्स इन द इंटरव्यू. सो इफ ड्रेस हैपेंस टू वन ऑफ देम, देन आई विल बी वेरी सीरियस अबाउट. डू यू एग्री? आई डोंट हैव एनी हार्म, है ना? Shouldn't I wear a dress which gives me some leverage? Right? Okay. Underlying factor is there are two things you can write down. First thing is that you should wear a dress in which you are feeling comfortable and confident. That is the most important thing. आपको ऐसी dress नहीं पहननी है जिसमें आप comfortable ही feel नहीं करते. ठीक है ना? Suppose आप ये सिर्फ पीपीएससी पे अप्लाइड है, इट्स नॉट अप्लाइड टू यूपीएससी मेंबर, व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग. याद रखिए इसको, मतलब कंफ्यूज ना करें. आप टाई नहीं, मेल्स, अगर आप टाई नहीं डालना चाहते मत डालो. आई विल प्रेफर यू शुड वियर टाई, बट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल एट ऑल, आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मत डालो. देन व्हाट? अल्टीमेटली यू हैव टू वियर दोज क्लोथ्स इन विच यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट. ठीक है. नंबर टू, द क्लोथ शुड सूट टू द ओकेजन. नाउ हियर ओकेजन इज फॉर्मल, सो द चॉइस ऑफ कलर्स ऑफ द क्लोथ शुड बी फॉर्मल. द टाइप एंड कलर ऑफ द क्लोथ शुड बी फॉर्मल. When I say formal colors, it means non-printed type of cloth, isn't it? तो आपके जो choice of colors हैं formal होने चाहिए, like whites, creams, light creams, sky blues. The shirt has to be, or the upper cloth has to be. I will come to male and female separately, but here I am talking of general, that your type of cloth, and see, you cannot wear a silk shirt, can you? You cannot, because that is not formal, है ना? वो हम शादी में भी डालते हैं, right? Now coming to male, now see, let us talk specifically for males. You can write down for males, see, shirt and pant with a belt. And formal laced shoes. Now don't wear say bellies type, unlaced shoes. Right? इस तरह के नहीं, unlaced नहीं, ये formal की category में नहीं आते. Right? Laced shoes, formal Oxford type या formal type. ये नहीं है कि आगे से बहुत लंबे से निकले हुए जूते, है ना? वो डिजाइन भी ऐसे फॉर्मल टाइप से होते हैं, सिंपल सा डिजाइन हो, लेस्ड हो, और ड्रेस के साथ मैच करते हैं शूज, ट्राउजर एंड शर्ट मैचिंग. नाउ सेट्स कैन बी, आप स्टील ग्रे पैंट डाल रहे हो, ये स्काई ब्लू शर्ट डाल रहे हो, है ना, और एक टाई डाल रहे हो ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन में, या ब्लू और ग्रे की कॉम्बिनेशन में, दैट लुक्स अ फॉर्मल ड्रेस. राइट? मतलब क्या हो गया, स्टील ग्रे, स्काई ब्लू विद अ मैचिंग टाई एंड ब्लैक शूज, दैट्स इट. राइट? ब्राउन्स में आ रहे हैं आप, आपने ब्राउन पैंट डाली है, ठीक है, क्रीमिश आपने शर्ट डाली है, मैचिंग आपने टाई डाली, येलो और ब्राउन की कॉम्बिनेशन में टाई डाल सकते हो, वो फॉर्मल में आ जाती है, और ब्राउन शूज डाले, हो गया राउंड, इट्स वेरी सिंपल. यही होगा, बट योर शर्ट हैज़ टू बी प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस कैन बी कॉल्ड इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल. ये फॉर्मल शर्ट नहीं है, ठीक है ना, प्लेन शर्ट, ये फॉर्मल है, दैट्स इट.
पर वो फॉर्मल नहीं अप्लाई करूंगा बिकॉज डार्कर में आ जाती है। ठीक है ना, डार्क करने से क्या आपका वैसे ही चेयर ग्लो करता है। अगर शर्ट लाइट डालोगे तो थोड़ा सा चेयरफुल लगता है सर, आप डार्क अगर डालोगे ग्लॉसी तो वो अजीब सा इफेक्ट क्रिएट करता है। तो लाइटर शर्ट में शर्ट जाएगी, डार्कर शर्ट में पैंट जाएगी, बेल्ट मैचिंग होगी और शूज मैचिंग होगी एंड टाई इज योर ऑप्शन। आई विल प्रेफर टाई, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ओके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है चल रहे नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पहन सकते हैं तो डोंट अवॉइड। पंजाब में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे लग रहे हो। तो फॉर्मल ओकेजन के लिए जा रहे हो भाई, फॉर्मल होने चाहिए। नाउ कमिंग टू लेडीज, आप देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन वियर साड़ी और सूट, अगेन इन व्हिचएवर अटायर यू फील कंफर्टेबल। ये मत सुनिए कई लोग आपको कहेंगे कि नहीं पंजाब में साड़ी नहीं डालनी है ना, सूट डाल के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप किस में अपने आप को अच्छा फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने आपको हैबिट नहीं है साड़ी डालने की, आप नहीं कैरी कर सकते, मत डालो सूट डालो, राइट। नाउ इसमें क्या फैब्रिक क्या है, यू हैव टू वियर कॉटन, कॉटन साड़ी या सूट प्रेफर्ड है, राइट। तो जनरली जो और मटेरियल्स है साटन सिल्क हम नहीं वो प्रेफर करते, कॉटन साड़ी इज कंसिडर फॉर्मल। अगर साड़ी है तो प्लेन साड़ी विद अ बॉर्डर, दैट इज ऑफिशियल थिंग, एंड देयर कलर कैन बी क्रीमिश, येलोइश, ब्लूइश, हल्का सा, बहुत सारे मिलते हैं, ग्रेइश में मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन आते हैं, हल्का सा उसमें सेल्फ में डिज़ाइन हो तो डजेंट मैटर। ये मैं हर साल लेक्चर देता हूँ दोनों तीन बार, इसलिए बट ये होता है, ठीक है ना। तो आप तो चंडीगढ़ में मिल जाती हैं साड़ियों को, है ना, अगर साड़ी डालना चाहते हो। देन इफ यू वांट टू वियर सूट अगेन द सेम वे, सूट अगर डालना है तो प्लेन सूट विद हल्का सा सेल्फ डिज़ाइन हो, हल्का सा बॉर्डर हो, ठीक है, बट बहुत प्रिंटेड सूट नहीं चलते। फॉर्मल सूट आपने सिलवाना बिल्कुल। आई पर्सनली डोंट प्रेफर पंजाबी सूट एंड ऑल इन इंटरव्यूज, है ना, वो ठीक नहीं लगता। फॉर्मल सूट का एक स्पेसिफिक वो होता है विद अ प्रॉपरली पिंड अप चुन्नी एंड ऑल, ठीक है ना। यू कैन वियर लाइट ज्वेलरी इफ यू विश टू, लाइट ज्वेलरी कोई हार्म नहीं है, इयर रिंग्स या कोई आपने पेंडेंट डालना है नो प्रॉब्लम। यू कैन वियर लाइट मेकअप ऑल्सो, बाल प्रॉपरली पिंड अप हो, मेल फीमेल दोनों, ये नहीं कि उड़ रहे बाल किसी तरह से भी। एंड यू कैन वियर सैंडल्स और एनीथिंग यू विश टू मैचिंग, जो अच्छा लगे। अब दोनों के लिए एक मैच एक आप करना है, जनरली देयर आर टाइट फ्लोर्स नाउडेज, तो आपको जूता या जो भी फुटवेयर डालना है वो ऐसा डालना है कि बहुत आवाज ना करे, द सोल बिलो शुड बी सॉफ्ट और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे जूते हैं जो आपने डालना चाहते हो लेकिन उसका सोल डिफरेंट है तो मार्केट से वो सॉफ्ट वाला सोल पर लग भी जाता है, है ना। तो लेकिन ऐसा ना हो कि चलते हुए आप रूम में एंटर कर रहे हो टक 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 हो रहा है, दैट लुक्स वेरी ऑड, है ना, और वहाँ कुछ नहीं ध्यान नहीं रहता फिर। तो बेटर है कि पहले शूज आपने देख लेने कि हाँ यार मैं दिस शुड नॉट क्रिएट एनी नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द रूम, ठीक हो गया। ये ड्रेस का आपका एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्रेस, सो कैन यू वेयर कोट पैंट, पैंट यू कैन वेयर, you can wear if you want to, but it will look odd. और कहीं भी ऐसा हो जाता है लाइट इधर हॉल में बैठे हो, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव रहते, तभी मैं बोलता भी नहीं। यूपीएससी में तो चलता है, यूपीएससी में भी सही है, मई में होते हैं, जून में होते हैं, इंटरव्यू डजंट मैटर, अप्रैल में होते हैं। नहीं ठीक है, खुले ठीक है, पगड़ी भी मैचिंग चाहिए उसके ड्रेस के साथ ही, मैचिंग दाढ़ी है आपकी तो खुली ठीक है। सिर्फ प्रेफरेबल कलर फॉर टर्बन, नो इट्स मैचिंग विद द ड्रेस, सिर्फ वाइट शर्ट, वाइट शर्ट पैंट के साथ मैच करेगा, है ना,
अगर आपने व्हाइट शर्ट डाली है, सब डाली है, ये जो आपकी पटारबन है ये पैंट के साथ नहीं जा रही उस तरह से फॉर्मल कैटेगरी में, वैसे अच्छी लग रही है लेकिन फॉर्मल उसमें नहीं जा रही, तो आप थोड़ा सा अगर कलर चेंज कर लेंगे पैंट के अकॉर्डिंग तो फॉर्मल में आ जाएगी। आप स्लेटी सी डाल लेंगे अगर दूसरी वाली तो ये फॉर्मल में आ जाएगी। मतलब आपको डाल के देखनी है कि अच्छे लगने चाहिए आप चेयरफुल, और कोई क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो अदर क्राइटेरिया। जो नॉर्मली दाढ़ी की जैसे आप बात करें, जो नॉर्मली आप रखते हो वैसे ही रखो, आप बांध के रखते हो मैं कहूँ जो खुली रखो, नो, यू शुड फील कंफर्टेबल। रिमेंबर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज क्या आप इंटरव्यू में क्या बोल के आते हो, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। कोई आपको ज्ञानी व्यक्ति बता दे कि नहीं दाढ़ी खुली छोड़ो जी पीसीएस में, तो आप लग गए 10 दिन बढ़ाने अपनी दाढ़ी, वो काम नहीं करने, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता यार, हम इतने सालों से 20 साल से देख रहे हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा नंबर देने वाला आपको। हाँ एक बार इंटरव्यू पूछ लिया था उन्होंने लास्ट टू लास्ट टाइम, क्रिटिसम बड़ी हुई कि वो कैंडिडेट से पूछ लिया कि तुमने दाढ़ी क्यों बंदी हुई, खुली छोड़, ऐसे पूछना बनता नहीं है, इट्स माई क्वेश्चन ऑफ माई पर्सनल फेथ, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू पूछ लिया। सो अल्टीमेटली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल इट, इट्स नॉट अबाउट कि दे आर गोइंग टू गिव यू लेस मार्क्स बिकॉज आपने दाढ़ी ट्रिम करा रखी है या आपने बंदी हुई है। You say ki sir, I feel comfortable in this and I see, I don't attach this thing with any religious faith. Huh? I am a Sikh and I follow Sikh faith, but I don't attach any meaning to the beard. And I never thought about it. I feel comfortable like this, that's why I'm keeping it. Isko khatam kar dete hain, usko murder kar dete hain question ka. Ki banda kuch bol na paaye. Na koi strong faith dikhani hai aapne ki nahi main to aisa theek samajhta hu. ठीक नहीं समझता, दैट इज हाउ आई डू इट, आई हैव बीन डूइंग इट एंड आई फील कंफर्टेबल इन दिस वे एंड आई एम अ सिख एंड आई फॉलो सिख फेथ बट आई डोंट अटैच एनी मीनिंग टू दिस। मतलब खत्म है, मर्डर हो गया, इसको मर्डर कहते हैं आंसर का क्वेश्चन का, कि बंदा कुछ बोलने लायक रहे ही ना। अगर आप कहोगे नो सर आई बिलीव दैट दिस थिंग हैज नथिंग टू विद सिखिज्म, टाइम्स हैव चेंज, वी शुड मॉडिफाई फॉर शांति, तो आप फंसने की तैयारी कर रहे हो, तो आप फंसने की तैयारी कर रहे हो फिर, क्योंकि आप यू आर चैलेंजिंग द पर्टिकुलर बिलीव, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर सेइंग दैट आई डोंट अटैच पर्सनली, आई डोंट अटैच एनी फील, आप रखते हो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर मैं रखी भी हुई है तो मैं आई डोंट अटैच एनी मीनिंग टू इट, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल लगता है इसलिए रखी हुई है, ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने ऐसे रखी हुई है बाकी सब नकली है, ये कोई मेरा व्यू नहीं है, मैं इसके साथ मीनिंग अटैच करता ही नहीं। आपसे पूछ लिया कि आपने खुली को छोड़ी हुई है आजकल भी, मुंडे तो आजकल ट्रिम ट्रिम करा के स्मार्ट बाल के रहने, तो इस तरह क्यों रह रहे हो, दसो क्या कहोगे। थोड़ा सा खुशबू तो आ गई कि आप उससे वैल्यू अटैच कर रहे हो, हाँ इसमें खुशबू आ गई ना आंसर में कि वैल्यू अटैच कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, ट्रेडिशन है ये ट्रेडिशन है बाकी सब है नहीं है। आगे क्या व्हाट हाउस सेज, आगे ना कुछ कोई गलत है, सो दैट इज हाउ हैज बीन अ ट्रेडिशन इन अवर फैमिली, माय फादर वाज आल्सो कीपिंग इट लाइक दिस, सो आई आल्सो कीप इट लाइक, आई डोंट अटैच एनी मीनिंग टू इट एंड सर दैट इज हाउ आई डू इट, आई नेवर थॉट अबाउट इट, फैमिली ट्रेडिशन है क्या लगा ना, आपको सर आई डोंट अटैच एनी मीनिंग टू इट बट दैट इज हाउ थिंग्स हैव बीन डूइंग हैपनिंग इन माय फैमिली, my father has been keeping, so I also imitated him, but I am a Sikh, but I don't attach any बिजली की तरह दिमाग चलना चाहिए। ये हैंडलिंग ही देखो नंबर देती है अल्टीमेटली, एक आधे इंस्ट्रू में ऐसे आंसर में खुश हो जाए ऐसे नंबर मिल जाते हैं 100+। चलिए ये दूसरा काम खत्म हो गया, ड्रेस का खत्म है, anything else you wish to ask or regarding dress, anything, baki jo bhi dress aap silayenge you have to have two parallel dresses, ek kharab ho jaye jab bhi aap interview ke liye bhi jaoge patiala to aapko saath mein dress carry karni hai ek bag mein,
भाई लास्ट मोमेंट पे ड्रेस कोई खराब हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट फील एंग्शियस फॉर एनी रीजन. तो यू शुड हैव वन स्पेयर फुल ड्रेस, पूरी ड्रेस आपके पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग शूज, सॉक्स, पैंट, शर्ट, बेल्ट, टाई, एवरीथिंग, नॉट टू मिस एनीथिंग. बैग प्रॉपर ड्रेस का अलग से बना हुआ है, ठीक है जी.